Hello everyone, welcome to Art and Craft Villa. Today we are going to decorate our bottle with Barbie. For this we require bottle, white acrylic color and brush, sponge, white glue, scissors और कोई भी शीट ले सकते हैं जिस पर पैटर्न बने हो। मैं यहाँ बार्बी पैटर्न ले रही हूँ, आप चाहें तो फ्लावर पैटर्न, बटरफ्लाई पैटर्न कोई भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमें अपनी बॉटल को व्हाइट एक्रेलिक कलर से पेंट करना है। सो वी विल यूज स्पॉन्ज टू पेंट दिस बॉटल लाइक दिस। स्पॉन्ज से हम जल्दी इजीली पेंट कर सकते हैं एंड इट गिव्स नाइस टेक्सचर आल्सो। तो इसी तरह हमें अपनी पूरी बॉटल पेंट कर लेनी है। Now this is ready. Let it be dry for some time. जब तक हम शीट लेंगे, प्रिंटेड शीट लेंगे और जो भी प्रिंट हमें चाहिए हम उसे कट कर लेंगे। These are not stickers, simple sheet. तो आप किसी भी पैटर्न में इन्हें कट कर सकते हैं। Now cuttings are done. अब हम white glue लेंगे और cutting piece के पीछे brush की help से white glue लगाएंगे। इस तरह हमें white glue लगाना है। White glue हम cutting piece के पीछे अच्छे से spread करेंगे। कोई भी corner छूटना नहीं चाहिए। We have to cover every corner. अब हम इसे अपनी बॉटल पर पेस्ट करेंगे लाइक दिस। जेंटली वी हैव टू प्रेस और कोई भी सलवट ना रहे, ध्यान से इसे पेस्ट करना है। एंड दिस इज डन। इसी तरह हम और पैटर्न्स स्टिक करेंगे और कटिंग पीस के पीछे हम इस तरह ग्लू लगाएंगे और उन्हें भी बॉटल पर पेस्ट करेंगे। विथ सॉफ्ट हैंड वी हैव टू पेस्ट नाइसली और हम इस तरह पेस्ट कर लेंगे। हम कोई भी पैटर्न, कितने भी पैटर्न इस बॉटल पर पेस्ट कर सकते हैं। एम्प्टी स्पेस पर मैं और पैटर्न पेस्ट करूंगी, यू कैन सी। सो इट विल गिव मोर ब्यूटीफुल लुक टू आवर बॉटल। सेम प्रोसेस फॉर एवरी कटिंग एंड पेस्टिंग। नाउ दिस इज ऑल्सो डन। अब हम एक और स्टिकर लेंगे और बॉटल की नेक पर भी हम पेस्ट करेंगे। नाउ वी विल पेस्ट दिस वन ऑल्सो। Like this, and this is also done. ये हमारी बॉटल तैयार हो गई है बार्बी लुक में। अगर आपको बैकग्राउंड व्हाइट रखना है तो आप व्हाइट ही रख सकते हैं और इस पर आप वार्निश कर सकते हैं। If you are new on this channel, please subscribe this channel and hit the bell icon. ये हमारा बॉटल तैयार हो गया है। अगर आप इसे बैकग्राउंड को डिफरेंट लुक देना चाहते हैं तो आप कोई भी शेड यूज कर सकते हैं, एक्रेलिक कलर्स। यहां मैं पर्पल शेड यूज करूंगी फॉर बैकग्राउंड एंड आई विल शो यू फाइनल पीस हाउ इट विल लुक आफ्टर पर्पल कलर। इट विल लुक लाइक दिस। नाउ यू कैन सी इट्स ब्यूटिफुल
and ready to decorate our room? Please like, share and comment also. And our bottle is ready. I hope you like this creativity. Thank you.